और ये फाइनल में ब्लैंकेट टाउन तो पहला किक लेने का मौका मिलेगा यहां पर संदु स्पोर्टिंग चाटी को जड्डी पे खड़े पहला किक लेंगे सागर गोकुल बहुत ही सुंदर शॉट सागर गोकुल के द्वारा ये नागौर गांव से बिलोंग करते हैं। दर्शकों की जानकारी बता दूं, दुख के साथ आप सबको ये जानकारी मुझे देना पड़ रहा है कि नादू गांव के गार्दिक अंकल जो बहुत ही फुटबॉल रह चुके हैं उनका देहांत बीते कल हुआ है। उनके फुटबॉल के प्रति जो योगदान रहा वो भुलाने से हम लोग भूल नहीं पाएंगे। तो पहला शॉट को गोल में तब्दील कर चुके हैं यहाँ पर संदेश बोर्डिंग साठी को चटकी प्रथम शूटिंग रहा गोलकना प्रथम शूटिंग गोलकना संधु शूटिंग चटी को चटी में आपने पाले का पहला शॉट लगाने के लिए चौकी डुडू ब्लैक शूटर के लिए बॉल को सजा पाया। शॉटिंग में कोई खराबी नहीं दोनों बेकार कर ब्लैक शूटर ज्यादा बड़ा प्रथम शॉट बेकार हो जाए लक्ष्मण बास के सुंदर भाग पहुंचा दिए चले बहुत ही सुंदर शॉट यहां पर मामला हास्ता के द्वारा क्लब टीम में भी ये खेल चुके तो संदेश बोर्डिंग जड़ी कर चाहे तो सासन तो बोला था तेरे श्री जापान दे अपने पाले का दूसरा शॉट के लिए पुलिस मार दिया है ब्लैक सुंदर जातो करा टीम के लिए आज लिए बहुत ही कमजोर शॉट संदर बचाव पर चौकी डुडू के द्वारा तरुण लेकर दोनों का तर चौकी डुडू बॉल के मान चाव का चौकी डुडू आज दिल्ली का था तो बॉल है नहीं हुआ डिस्कस तो कहीं डाले यार क्रिकेट है नहीं हुआ डिस्कस तो कहीं डाले यार शॉट वाला पढ़ा हुआ डिस्कस तो कहीं डाले यार रोड आलम राज दिल्ली का है तो रोड आलम मात्र की चीनी लड्डू खुलो तरु तरु देखे डेवा इसी खेल के लिए जाने जाते चौकी डुडू एक ऑलराउंडर प्लेयर है जो गलती के थे कि के दौरान वो सुधारने में कामयाब होता हो श्याम वर्मा को गिर लेंगे सामने करेंगे लक्ष्मण चले बॉल को पूरी तरह कोने में डाल दिया तीन तीन शॉट में दोनों टीम का दो दो गोल है प्या प्या शॉटिंग दे बारह टीम अपना बढ़िया बढ़िया गोल कर बिल्कुल एक घंटे का मुकाबला हम लोग देख पा रहे गणेश का पूर्वानुमान सही नहीं निकलता हुआ कोई भी अपने जमाना अच्छे फुटबॉलर रह चुके कहा जाता है कि एक चोरी भी एक ऐसे हीरे का मसाला दिला सकते हैं सुखलाल की खिलेगी बहुत ही सुंदर शॉट सुखलाल के द्वारा चिन्ह पर राहुल हल
अपने कदम कदम के साथ आगे बढ़ता होगा। शानदार शॉट है राहुल के द्वारा, चार चार शॉट में दोनों टीम का तीन तीन गोल है, पूरी पूरी शॉटिंग दिए बारह टीम का तरफ पिया का गोल है। चलिए दर्शक दो दिन तक अच्छा माहौल को बनाए, अच्छा अनुशासन का पालन भी कर रहे हैं, ऐसा अनुशासन पालन करना जरूरी है। संजय मुंडा बोल कर सजाते हैं और आप गोलकीपर में मतलब श्याम मुर्मू गोल पोस्ट पर आ रहे हैं। चलिए बहुत ही दमदार शॉट, दमदार भी गोल। तो गणेश जी ये जो पांचवा शॉट है किस तरह का शॉट लेकर ब्लैक सोल्जर की टीम, ये देखना होगा धड़कने दुर्जन के कोच और मैनेजर का निश्चित तौर तेज हो चुकी होगी। आज बिल्कुल दोनों दलों के जो मैनेजर हैं दोनों दलों के समर्थकों की धड़कने भी तेज हो रही होगी कि भाई कौन सी टीम जीत रही है। और एक ही बात को मैं बार बार दोहराता हूँ कि भाई जीत किसी भी को मिले मगर दर्शकों ने एक बेहतर मैच को देखा है, आनंद को उपभोग किया है और जो दर्शक चाहती है उन्हें मिला है यहाँ पर। मगर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि इस वर्ष की चैंपियन टीम कौन सी बन रही है, ब्लैक शूटर या फिर संदर्भ स्पोर्टिंग की टीम। चलिए देखते हैं बहुत ही इस गेंद को गोल जाल में स्पर्श करा दिया है और एक अनोखा मोड़ तो जीत मिलती है किसी गेंद किसी टीम को, हार नसीब होता है कहा जाए तो हेड या फिर तेल कोई होगा पास और कोई होगा फिर। हालांकि एग्जाम की घड़ी में दोनों ही दलों ने जैसे चार चक्का से जितने भी देखने के लिए गाड़ी को कुछ समय के बाद निकलेंगे तो अच्छा होगा, पहले दो चक्का गाड़ी को निकालना दीजिए उसके बाद चार चक्का गाड़ी को निकाल देंगे जिससे रोड ज्यादा जाम नहीं होगा। चलिए किस्मत का साथ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, धक 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 जरूर होगी दोनों दलों के समर्थकों की। और संधू स्पोर्टिंग 24 की चैंपियन टीम बन चुकी है टॉस के सहारे और ब्लैक शूटर की टीम इस वर्ष की रनर्स टीम रही है, यानी कि 35,000 और एक बंपर खर्चे के साथ उन्हें संतुष्ट होना पड़ा है। मगर दोनों दलों को हमारे चाटी कोटा की ओर से ढेर सारी बधाई ढेर सारी शुभकामनाएं, दोनों दलों के सभी खिलाड़ी जल्द से जल्द वापस आए।